हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का पहला चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पढ़ाए हैं थोड़ा देर में हम पूछताछ कर लेंगे, पहले पढ़ा लेंगे। सुनिए, हम लोग लास्ट क्लास किए थे एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ क्या किए थे भाई? बिजनेस कम्युनिकेशन फ्रेश टॉपिक है हम लोगों का। बुक बंद रखे सभी लोग, बुक बंद रखे, सुनते जाइए। फ्रेश टॉपिक हम लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो हम बातचीत कर रहे हैं इसका सिद्धांत क्या है कि मेरा बातचीत क्या होगा? इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। मैंने कैसे बात रखेंगे तो मेरा बात का एक वैल्यू होगा, मेरा बात का इज्जत किया जाएगा। इस प्रिंसिपल्स को हम लोग समझने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बोलो क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए, आपका बात का अगर वैल्यू करवाना है तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी को फॉलो करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी का मतलब होता है मुहावरादार भाषा नहीं चलेगा। जो बोलना है साधारण भाषा में बोलिए, क्लियर भाषा में बोलिए, और ऐसा आपका भाषा होना चाहिए कि सामने वाला समझ पाए, और झुराने वाला कोई बात नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ, पहले का अपना प्रधानमंत्री देख लीजिएगा कैसे भाषण देते थे लोग, इंग्लिश में आकर पढ़ देते थे लोग। नरेंद्र मोदी कैसे भाषण देते भाई? हिंदी में, ताकि पूरे देशवासी को बेहतरीन तरीका से समझ आए। राहुल गांधी उनका देखा था कि हिंदी में देने लगा, लेकिन क्लैरिटी नहीं रहता, उसको पता ही नहीं रहता बोलना क्या है, समझ उल्टा फुल्टा कुछ भी बोल देते हैं, समझें क्या बोल रहे हैं नहीं समझ, क्लैरिटी नहीं रहता, मतलब समझ के नहीं बोलते। लेकिन वही मोदी जी क्या करते हैं, एकदम क्लियर कर समझा देते हैं, टू द पॉइंट बैठा देते हैं दिमाग में। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। क्या कहते हैं? माने जो भी बात बोलो उसका एक मीनिंग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सामने वाला को समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये चीज़ को फॉलो करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर आपको चाहिए तो, मैंने आपका बात का वैल्यू करे, लोग आपका बात सुने, तो ये चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीजन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीजन का मतलब होता है कि किसी को समय नहीं है कि आपका बात सुने, आप जो भी बोलिए ब्रीफ में बोलिए, माने संक्षेप में बोलिए, ज़्यादा बोलने का दरकार नहीं है, ज़्यादा हिलाने का दरकार नहीं। इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीजन, क्योंकि किसी के पास समय नहीं कि आपका ज़्यादा बात सुन पाए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी को फॉलो करिए। सिंपलिसिटी माने जितना ज़्यादा हो सके आपका साधारण भाषा होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके आपका क्या होना चाहिए? साधारण भाषा, ताकि सभी लोग समझ पाए, सभी तबके के लोग समझ पाए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई किए हो या पढ़ाई लिखाई नहीं किए हो, समझ पा रहे, सभी लोग समझ पाए। आपके भाषा में क्या होना चाहिए? सिंपलिसिटी होना चाहिए, समझ पा रहे, माने लैंग्वेज आपका सिंपल होना चाहिए। तो पहला क्या भाई? प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ प्रिसीजन। तीसरा क्या? प्रिंसिपल ऑफ सिंपलिसिटी। और प्रिंसिपल चौथा हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइन। जब जिस चीज का आपको बात रखना है उस समय उस चीज का बात रखिए, लेट मत करिए, समय से बात को रखिए। इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस। क्या कहेंगे हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस। और ज्यादा आपको ज्यादा देर चाटना भी नहीं है, एक समय सीमा के अनुसार आपको अपना बात रख के निकल जाना है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि कितना भी अच्छा बोलिएगा तो सामने वाला जो सुनने वाले लोग हैं वो कुछ समय तक आपके बातों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसलिए टाइमलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको बोलना है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस। क्या कहते हैं हम लोग? अगर टाइमलाइंस फॉलो नहीं करिएगा ना, तो बढ़िया ही बात बोलेगा तो आपका बात अवॉइड होने लगेगा, लोग सुनेंगे नहीं आपका, समझ पा रहे? तो इसलिए आपको टाइमलाइंस को फॉलो करना है। इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस। प्रिंसिपल ऑफ, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी को बोलना है, जो बोलना है सच बोलना है, समझ पा रहे? जो बोलना है सच बोलना है, आपके बात में दम होना चाहिए। आपके बात में क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। और उस बात को आप डिटेल एनालिसिस किए हो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डिटेल एनालिसिस किए, और ये बात आपका ब्रेन से और मुंह से नहीं आना चाहिए, इधर से निकलना चाहिए। जब इधर से निकलेगा ना तो तगड़ा निकलता है, समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। प्रिंसिपल ऑफ, तो कितना प्रिंसिपल को फॉलो करना है भाई? पांच प्रिंसिपल को फॉलो करना है। पहला क्या बोलिए तो? प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा क्या? सिंपलिसिटी। चौथा टाइमलाइंस। और पांचवा क्या? इंटीग्रिटी। क्लियर है क्या? ये सिद्धांत है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। जब आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना होगा तो इसी पांच सिद्धांत को फॉलो करना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। देखिए, बातचीत करने का अलग अलग मॉडल्स है, डिफरेंट मॉडल्स है कम्युनिकेशन का। पहला हम लोग का है हिस्टोरिकल मॉडल। बोलो क्या बोले हैं? आर साइलेंट हो जाएगा, जैसे नॉलेज में साइलेंट होता है। कौन सा मॉडल बोलो?
हिस्टोरिकल मॉडल, बोलो क्या बोले हैं। देखिए इसको नेता लोग इस्तेमाल करता है हिस्टोरिकल मॉडल, माने वो बोलेगा आप सुनिएगा, वो बोलेगा आप सुनिएगा, इसको हम कौन सा मॉडल कहते हैं, हिस्टोरिकल मॉडल। कौन सा मॉडल, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? जैसे पॉलिटिकल लीडर बात अपना बोलता है, या लॉयर बात बोलता है, या सेल्समैन आपको समझाता है कि हमारे प्रोडक्ट का ये क्वालिटी है, ये सुविधा है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये कौन सा मॉडल होता है, हिस्टोरिकल मॉडल। कौन सा मॉडल, समझ रहे हैं क्या बोल रहे? पॉलिटिकल लीडर समझाता है, अपने पार्टी का बखान करता है कि मेरा पार्टी आ जाएगा तो हम ये कर देंगे, या आ जाता है तो बोलता है हम ये कर दिए, पहले बोलता कर देंगे, जब आ जाता है तो बोलता है कर दिए, हमने ये किया वो किया इधर किए, समझ रहे हैं? चाहे वो निचले तबके का पॉलिटिकल लीडर हो या ऊपर वाले तबके का पॉलिटिकल लीडर, आ गया है तो बताएगा कि क्या क्या किए, और नहीं आया तो बोलेगा कि एक बार हमको चांस दीजिए, ये सब गड़बड़ हो रहा है, ये सब चीज़ को हम लोग ठीक करेंगे। समझ पा रहे? इसको कौन सा मॉडल कहते हैं भाई, हिस्टोरिकल मॉडल। कौन सा मॉडल? नेक्स्ट हम लोग का प्रोपोगंडिस्टिक मॉडल, बोलो क्या बोले हैं? प्रोपोगंडा नहीं होता है क्या, उसी को प्रोपोगंडा का मतलब क्या होता है बताओ? हाँ बताओ, लोगों को बारे में बताओ, आगे से बताने से फायदा होता है। प्रोपोगंडिस्टिक मॉडल, कौन सा मॉडल भाई? प्रोपोगंडिस्टिक मॉडल, बोलो क्या बोले हैं? प्रोपोगंडिस्टिक मॉडल का मतलब होता है कि हम मैसेज को सभी लोगों तक पहुंचाएंगे, सभी लोगों तक अपने बात को पहुंचाएंगे, जन जन तक अपने बात को पहुंचाएंगे, इसको कहते हैं प्रोपोगंडिस्टिक मॉडल। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मतलब जैसे मतलब कुछ भी आप चालू किए तो आप उसको प्रोपोगंडा के तहत फैलाइए, बोलते हैं ना प्रोपोगंडा करो, मैंने बात को ये करो, बोलते हैं ना बात को बड़ा चला के बोलो, प्रोपोगंडा कर रहा सब जगह फैला रहा मेरा बात, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कुछ कुछ काम को फैलाया जाता है, सभी लोगों तक मैसेज को पहुंचाया जाता है, हर मीडिया से पहुंचाया जाता है ताकि सभी लोग के पास उनका आवाज़ पहुंच पाए, इसको हम कहते हैं प्रोपोगंडिस्टिक मॉडल। क्या बोलते हैं बोलिए, समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? प्रोपोगंडिस्टिक मॉडल, जैसे मान लीजिए आप कोचिंग सेंटर ही खोल लिए तो आपको प्रोपोगंडा करना होगा, बताना होगा सबको कि हम कोचिंग खोले हैं भाई, सबको बताइएगा, तब तो किसी को पढ़ना होगा तो कोई बता देगा कि जब तो खोला देखो अच्छा लगे तो पढ़ने, अच्छा लगे तो आपको प्रोपेगेंडा करना होगा, बताना होगा, इस मैसेज को डिलीवर करना होगा, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेगेंडिस्टिक मॉडल। क्या कहते हैं? समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का नेगोशिएबल मॉडल, बोलो क्या बोले हैं? नेगोशिएबल मॉडल का मतलब डिस्कशन करना, एक दूसरे से बैठ करके डिस्कशन करना, गपशप गप्पा लड़ाना, समझ पा रहे हैं? बातचीत करना, समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं नेगोशिएबल मॉडल। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे क्या बोला कि नहीं समझ पा रहे? गपशप करना, आपस में बातचीत करना, डिस्कस करना किसी मुद्दे पे, समझ रहे क्या बोले? इसको कौन सा मॉडल कहते हैं? नेगोशिएबल। कौन सा मॉडल? इसको कौन सा मॉडल कहते हैं भाई? तो टाइट फिटिंग रही है क्या, आप मुंह बना दे रहे? पहला कौन सा मॉडल है? हिस्टोरिकल मॉडल। दूसरा क्या? प्रोपोगंडिस्टिक। और फिर क्या? नेगोशिएबल। अच्छा ठीक है, देखिए जीवन किसी का खत्म नहीं होता है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ये सब मत सोचिए, बढ़िया फील करिए, कभी तबीयत खराब वाला फीलिंग नहीं है। आइए टॉपिक पर, हिस्टोरिकल मॉडल, दूसरा क्या? प्रोपोगंडिस्टिक मॉडल और नेगोशिएबल मॉडल। नेगोशिएबल मॉडल का मतलब डिस्कशन करना, ग्रुप डिस्कशन या किसी मुद्दे पर बैठकर डिस्कशन करना, इसको नेगोशिएबल मॉडल कहते हैं। और एक और मॉडल हम लोग का कम्युनिकेशन मॉडल, बोलो क्या बोले हैं? कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब क्या होता है भाई? इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देना, खाली इन्फॉर्मेशन को दे देना, जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको सुनना होगा सुनेगा, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। क्या कहते हैं? खाली इन्फॉर्मेशन दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे, खाली इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे? आपको दे देंगे बस। कम्युनिकेशन मॉडल, कौन सा मॉडल? कम्युनिकेशन। तो पहला कौन सा मॉडल है भाई? रिटोरिकल। दूसरा प्रोपोगंडिस्टिक। फिर नेगोशिएबल मॉडल। फिर कम्युनिकेशन मॉडल। कौन सा मॉडल? और लास्ट में एक तो आइडिया मॉडल है। आइडिया, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन, अटेंशन इंटरेस्ट डिजायर एक्शन। एडा मॉडल का मेन काम होता है ना, ये कुछ भी करेंगे अपना एडवर्टीजमेंट के लिए, जो भी करेंगे बोलेंगे तो उसके पीछे मेरा विज्ञापन छुपा रहेगा, समझ रहे क्या बोले? इसको हम कहते हैं आइडिया मॉडल। क्या कहते हैं? जैसे बहुत सारे सर लोग फेमस रहते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते बोल देते हैं ये मेरा कोर्स आ रहा है, ये आप कोर्स खरीद सकते हैं, या जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो बिजनेस का पढ़ाई पढ़ाते हैं लोगों को,
तो देखिए वो बोल देते हैं कि भाई मेरा ये कोर्स है, आप इसको कोर्स खरीद सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मतलब उसमें विज्ञापन आपका छिपा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? आइडिया मॉडल। क्या कहेंगे हम लोग? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। बोलो क्या बोले हैं? इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। जैसे MBA चावला लोगों को मोटिवेट करता है तो खाली बिजनेस को लेकर मोटिवेट करता है, कभी ये नहीं बोलता पढ़ो, बोलता पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, तो बोल देते हैं क्योंकि वो फील्ड से नहीं है, पढ़ाई लिखाई के फील्ड से नहीं है, उनको ये इंटरेस्ट नहीं है एरिया में। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? वो कौन से फील्ड से? बिजनेस फील्ड से, तो बिजनेस का करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन जो सर लोगों का देखिएगा मोटिवेशन जो होगा, जो सर लोग पढ़ाते होंगे वो पढ़ाई को लेकर करते होंगे, उनका मेन थीम होता होगा पढ़ाई, क्योंकि उसके पीछे उनका विज्ञापन भी छिपा रहता है। इसको हम क्या कहेंगे? आइडिया मॉडल। समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं मोटिवेशन मोटिवेट कभी भी करता हूँ तो मेरा थीम क्या रहता है? पढ़ाई। समझ पा रहे क्या बोल रहे? और सच बात है, पढ़ के ही सब कुछ होने वाला है, क्योंकि पढ़ाई से ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। पढ़ाई से ब्रेन का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो आप कुछ भी करो तो सोचने का शक्ति रहेगा। समझ रहे? छोटा सा एग्जांपल है, जैसे ये लोग एक बिजनेस चालू किए हैं तो ये अभी पूछ रहे हैं कि सर हमें बता दीजिए कि स्टॉक कैसे मेंटेन करना है, स्टॉक को कैसे मेंटेन करना है। तो कहीं ना कहीं इनका ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ तभी तो पूछ रहे हैं, नहीं तो क्या है, माल रहेगा ताला लॉक रहेगा, कोई बाहर वाला नहीं जाएगा, करा रहेगा, गड़बड़ होने का कोई सीन शॉट नहीं। लेकिन पूछ रहे ना जी कि हमें स्टॉक कैसे मेंटेन करेगा, मतलब हमें पता कैसे लगेगा कितना स्टॉक आया और कितना स्टॉक गया। तो कहीं ना कहीं ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है, वो किसके वजह से हुआ? पढ़ाई की वजह से। समझ रहे? यही बात है। इसका बात कर आइडिया मॉडल। कौन सा? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। बोले क्या बोले हैं? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। तो आइडिया मॉडल क्या होता है भाई? कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी मैसेज दे रहे हैं, उस वो क्या छिपा रहेगा वहाँ पे? विज्ञापन छिपा रहेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? सेल्फ इंटरेस्ट मतलब वही विज्ञापन, विज्ञापन। इसको कहते हैं आइडिया मॉडल। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? तो एक कम्युनिकेशन का कितना मॉडल है? पहला कौन सा है? रेटोरिकल मॉडल। दूसरा प्रोपेगेंडिस्टिक मॉडल। मान लो तो क्लिनिक खोल दिए, क्लिनिक ऐसा जो लोकनाथ पोली क्लिनिक कितना बढ़िया खुला है, जबरदस्त है, लेकिन जानते हैं उसमें क्या कमी है? यही कमी है, प्रोपेगेंडिस्टिक नहीं है उसके पास, प्रोपोगंडा नहीं है। नहीं समझ पा रहे? करना पड़ता, फैलाना पड़ता बात को। जहाँ जाइए संपर्क वाले को बोलिए, नहीं संपर्क उसको ही बोलिए, घर घर जाइए, बैनर बांटिए, पर्ची बांटिए। समझ रहे कि खुला है सर, एक बार देखिए, एक बार आइए, या फर्स्ट विजिट फ्री कर दीजिए, अपना पॉकेट से पैसा जाएगा, या डॉक्टर को मना लीजिए कि सर एक तो कम से कम इलाज लोगों का फ्री दीजिए। समझ पा रहे? एक तो मैंने फर्स्ट पर आइए तो आपका फ्री रहेगा, तो इलाज बढ़िया से करवाया। आप जैसे ऐसे ही पेशेंट फ्री में दिया जाए, ऐसा पेशेंट फ्री में दिया जाए तो एक बार पक्का आ जाएगा चेक कराने। और सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सबको कुछ ना कुछ। जैसे डॉक्टर अंकित तिवारी जी कर रहे हैं, अंकित तिवारी डेंटिस्ट है, अंकित तिवारी यहाँ पे बैठ रहे हैं कुंडू बगान में, बालक सुना बालक। तो क्या किए? एक रुपया में देख रहे हैं फर्स्ट विजिट, एक रुपया माने जो चार्जेस रहेगा ओनली एक रुपया। समझ रहे क्या बोल रहे? लोग जिनको दांत में थोड़ा भी प्रॉब्लम है, दांत में जो भी प्रॉब्लम है, दांत में जो भी प्रॉब्लम है, लोग माने जा ही रहे हैं कि चलो दिखा रहे देख रुपया तो लगा। क्या करना? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का कि देखिए, बातचीत करने में दिक्कत आता है, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आता है, बैरियर्स आता है, रुकावटें आता है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम इस बैरियर से ओवरकम कैसे कर सकते हैं, बाहर कैसे आ सकते हैं? इस बैरियर से बाहर आने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करना, यूज सिंपल लैंग्वेज। यूज कौन सा लैंग्वेज? सुनिए ध्यान से बालक लोग, आपस में बात नहीं कर रहे। बातचीत करने में जो रुकावटें आता है, बाधाएं आता है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? तो पहला क्या यूज करना पड़ेगा भाई? सिंपल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? सिंपल लैंग्वेज। चालू है ना? कौन सा लैंग्वेज? सिंपल लैंग्वेज। एक्टिव लिसनिंग करना पड़ेगा, सामने वाला को बात को अच्छे से सुनना पड़ेगा, अच्छे से सुनिए क्या बोल रहे, फिर आप अपना बात करें।
इसको हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिव लिसनिंग आपको करना पड़ेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? इमोशनल रहना पड़ेगा। अब सामने वाला दुख दुख में है तो आपको भी दुख में होना पड़ेगा, नहीं तो दुख वाला खबर सुना रहा तुम हंस रहे हो तो बैरियर खत्म होगा, बोले सर पागल है क्या, दुख वाला खबर सुना रहा हंस रहा है। इमोशनल स्टेट, इमोशनल स्टेट नहीं, नहीं ये कोई इमोशनल स्टेट नहीं है। चलो सुनिए ध्यान से, कौन से स्टेट का बात करें? इमोशनल बात नहीं, फोकस करें। तो पहला कौन सा भाई? सिंपल लैंग्वेज। दूसरा एक्टिव लिसनिंग। फिर क्या? इमोशनल आपको स्टेट में रहना होगा। और नॉइज का लेवल कम करिए, मतलब सामने वाला को क्लियर आपका भाषा सुनाई दे, इधर उधर का बेकार चीज ना सुनाई दे, नॉइज को कम करिए। जैसे आप मान लीजिए वीडियो के जरिए संदेश दे रहे तो नॉइज आ जाता है, समझ पा रहे? इधर उधर का आवाज आ रहा है तो उसको रोकिए कम से कम। नॉइज लेवल को क्या करना है? आपको कम करना है। समझ पा रहे क्या बोल रहे? अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ज्यादा इन्फॉर्मेशन मत दे दो, हद से ज्यादा मत बोल दो, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा बोलिएगा लोग भाग जाएंगे। हद से ज्यादा मत बोलिए, जितना जरूरत है उतना ही बोलिए, हद से ज्यादा आपको बोलने का दरकार नहीं है। अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा ना। देखिए अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, मान लीजिए क्लिनिक में आया, क्लिनिक में कोई आया बैठ के ओवरलोड इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जानते हो ये बाहर वाला भी रोड भी हम लोग किने हैं, क्लिनिक है बाहर वाला रोड भी हम लोग किने हैं, सर तुम रोड कैसे किन लेगा, लोग गाली देगा आपको। हाँ गर्भ कोई भी होगा, आप नॉर्मल आदमी से भी यही बात बोलिएगा, इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, हाँ डॉक्टर है ये इलाज ये, बात खत्म। नहीं समझे अब उल्टा फुल्टा दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो कितना लोग क्या होते हैं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर देते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वो नहीं करना। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, आपको जवाब देना है तो आप कंस्ट्रक्टिव रियल वाला जवाब दीजिए, हाँ एकदम क्लियर दीजिए। समझ पा रहे? नहीं आता है तो एक ही बार बोल दीजिए कि सर हम पता करके आपको बताएंगे, बस बात, ये भी आपको बेहतर फीडबैक है। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है क्या? तो क्या क्या भाई मुक्ति पाने का तरीका है? यूज सिंपल लैंग्वेज, फिर एक्टिव लिसनिंग, इमोशनल स्टेट में रहिए, अवॉइड इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। समझ पा रहे क्या बोल रहे? और क्या? नॉइज को कम करिए, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। क्लियर है क्या? कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। देखिए आपस में आप लोग मत करिए, वीडियो खराब हो जाएगा। सुनिए कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट का मतलब होता है कि डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन, डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों में क्या हो गया कि डिसएग्रीमेंट हो गया। समझ पा रहे? इसको हम कंफ्लिक्ट कहते हैं, मतभेद। जैसे घर में मतभेद हो जाता है, आपका सोच का लेवल कुछ और है, मम्मी का सोच का लेवल कुछ और है, पापा का सोच का लेवल कुछ और है, वो कुछ और बोलेंगे आप कुछ और बोलेंगे, मतभेद हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट। क्या कहते हैं हम लोग? कन्फ्लिक्ट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? कन्फ्लिक्ट का मतलब समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप कुछ और बोल रहे हैं, सामने वाला कुछ और बोल रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू, डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू, कन्फ्लिक्ट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? क्योंकि आपका बात को समझ नहीं पाएगा। जैसे बढ़िया टीचर वही बनता है जो कमजोर विद्यार्थी या मीडियम क्लास का विद्यार्थी है, वो बढ़िया टीचर बनेगा। आज जो एकदम मतलब तेज हो, इंटेलिजेंट जिसको हम बोलते हैं, शार्प माइंडेड, वो एक्सेप्शन तो हर जगह है, वो बढ़िया टीचर नहीं बनेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका शार्प माइंडेड है, सोचने का लेवल है शार्प तरीका से। अब उर्वर कहा होगा उसको समझ नहीं आएगा, तो पूछेगा कैसे हुआ सर, गर्म लगा डिसएग्रीमेंट। समझ रहे? आप मीडियम क्लास का रहेगा या कमजोर रहेगा तो प्रॉब्लम को समझेगा, वो इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो क्लियर करते जाए, क्लियर करते जाएगा, वो नीचे से क्लियर करते जाएगा। अब आई दबे सामने वाला कुछ भी लिया नहीं क्लियर किया तो समझ जाएगा तो इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है, समझाया नहीं है तो फिर से समझा, मैंने डिसएग्रीमेंट नहीं किया, मैंने तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, मानने लगेगा। समझ रहे क्या बोल टीचर? क्या होता है स्कूल में? यही तो होता है, इंटेलिजेंट आता है परीक्षा देके, परीक्षा देके नॉर्मल तो आएगा नहीं, इंटेलिजेंट लोग आते हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाते तो हैं ही, और वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, आपके प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, और आपके प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं तो क्लियर नहीं हो पाता है, और क्लियर नहीं हो पाता है तो आप लोग भी नहीं पूछते हैं, अन्य तो कभी पूछ लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं कंफ्यूज। क्या कहते हैं? क्लियर? कोई बात नहीं। सुनो कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, उससे मुक्ति कैसे पाइएगा? कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब हुआ कि उससे हम बाहर कैसे निकले, इस डिसएग्रीमेंट से बाहर कैसे निकले। तो इस डिसएग्रीमेंट से बाहर निकलने का ये तरीका है, वो जिस लेवल का है, जिस परिस्थिति का है, उसी परिस्थिति में आके आपको बात करना पड़ेगा, उसी परिस्थिति से चीज़ों को समझना होगा।
समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, तो आप बाहर आइएगा, नहीं तो बाहर नहीं आ पाइएगा। अब पापा मान लीजिए पापा का सोच अलग है, आपका सोच अलग है, तो इससे मुक्ति कैसे पाइएगा? पापा के सोच के जरिए आपको सोचना होगा, नहीं तो पापा को आपके सोच के हिसाब से सोचना, किसी ना किसी को सोचना उसके हिसाब से, तब जाके ये डिसएग्रीमेंट खत्म होगा, नहीं तो ये डिसएग्रीमेंट खत्म नहीं होगा। इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्लियर है क्या? पक्का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आगे बढ़े, क्योंकि पापा पुराने जमाने के पुराने तरीके से आपको बताएंगे और आप नए, तो आप नए हिसाब से बताइएगा, तो डिसएग्रीमेंट तो होना तय है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा, लेकिन कब? जब आ, या तो आप समझ लीजिए या तो पापा कोई एक किसी एक को समझ लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, समझ पा रहे क्या बोल रहे? अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अगर हो जाता है तो क्या क्या फायदा होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो गया, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? कंटेंट बढ़िया से आप दे पाइएगा, किसी तरीके का नॉइज नहीं होगा, मैंने दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, और हारमोनी बना रहेगा, मैंने भाईचारा बना रहेगा, बढ़िया रिलेशन बना रहेगा, बढ़िया रिलेशन बना रहेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आपका ठीक ठाक होता है तो जितना लेक्चर की एक बार मार्क करते हैं, फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। पॉज कर दीजिए।